नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री और स्टारों के बीच चल रही कुछ हलचल भरी खबरें, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है अक्षरा सिंह से। अक्षरा सिंह अभी तक कई सारे हिंदी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं, अब तक कई सारी भोजपुरी फिल्में कर चुकी हैं और अब यशराज के बैनर तले भोजपुरी फिल्म बनने वाली है जिसमें अक्षरा सिंह शामिल होंगे। इस बात का खुलासा हाल ही में उन्होंने अपने जन्मदिन पर किया। इसके अलावा अक्षरा सिंह ने जब इंडस्ट्री में एंट्री ली थी तब उनके चाचा नहीं चाहते थे कि वो इंडस्ट्री में आए, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में एक नाम पा चुकी हैं उसके बाद बीते दिन पहले जब उनकी जन्मदिन पार्टी रखी गई उस अवसर पर उनके चाचा ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद अक्षरा सिंह खुद को रोक नहीं पाई और कैमरे के सामने ही बहुत ज़्यादा रोती हुई नजर आई हैं, जिसके नज़ारे हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल अगली खबर बता देते हैं। अगली खबर खेसारी और काजल से जुड़ी हुई है। दबंग सरकार का खेसारी का और काजल का आप लोगों ने सिर्फ एक गाना सुना होगा, नवरतन तेल लगैला से, लेकिन उसके अलावा दोनों की जोड़ी से बने और भी गाने आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। दबंग सरकार के ट्रेलर में आप लोगों ने देखा होगा। इस गाने से जुड़ी एक खास खबर भी हम आपको दिखाएंगे और अगली खबर भी दबंग सरकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि दबंग सरकार का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है बीते दिन पहले, लेकिन कुछ ही घंटों में इस ट्रेलर को लोगों ने इतना हाथों हाथ लिया है कि बहुत ज़्यादा व्यूज सबसे कम समय में इस फिल्म ने पा लिए हैं। ट्रेलर ने जल्द फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है। फिलहाल अगली खबर बता देते हैं जो पवन सिंह से जुड़ी हुई है। पवन सिंह उत्तर प्रदेश पहुंचे जहां एक समारोह में उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, जहां से कई सारी तस्वीरें भी हाल ही में सामने आई हैं। तो पवन सिंह से भी जुड़ी और अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह के जन्मदिन पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हुए थे जो कि सीधा बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि रिनी चंद्रा भी कही गई थी, जहां पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। जी हां, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के क्या कहा उन्होंने, आइए आप लोगों को भी सुनाते हैं। हस्बैंड को पूरा पता है कौन सा गाना गाना है। हम लोग फुल भोजपुरी हैं, हम लोग को सब पता है। हम लोग नहीं भोजपुरी बोलेंगे और भोजपुरी को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप कुछ भी कीजिए, हम तो यशराज में भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही बताए थे हम लोग की पहली मूवी होगी जो यशराज में रिकॉर्ड होगी, एज अ रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स हमारे यशराज में रिकॉर्ड होंगे। स्टूडियो सारे बुक है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। नथिंग इट्स मनी से कुछ मैटर नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट द आउटपुट ऑफ द सॉन्ग्स। जो हमारे ऑडियंस को कुछ तो नया मिले, पसंद करे ना पसंद करे, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन उनको आउटपुट हम अच्छा देंगे फॉर श्योर। भोजपुरी में अगर आज के दौर में एक सफल अभिनेत्री का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है अक्षरा सिंह का। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब अक्षरा को भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से रोका जा रहा था उनके परिवार की सदस्यों की तरफ से, जिसकी वजह से अक्षरा जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई तो उनके परिवार के एक ऐसे भी सदस्य हैं जो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। और उसके बाद आज अक्षरा के बर्थडे पार्टी में जब उनका जिक्र हुआ तो अक्षरा रोने लगी। देखिए जरा इस वीडियो में। पली बड़ी है लक्ष्मी नगर, मतलब पटना कंकड़बाग से लक्ष्मी नगर LTG सब जानता हूँ। इसके अलावा इसके एक्टर होने का जो पूरा का पूरा ये अपने दम पे कर रही है, कई बार मैं इससे विरोध करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, बट आई लव हर जस्ट बिकॉज ये मेरी जिंदगी का ना सबसे मजबूत खंभा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इससे नफरत भी करता था एक समय में और मैंने बोला था कि भोजपुरी मत कर, लिटरली। बट वॉट एवर शी इज डूइंग ग्रेट, सीरियसली शी इज डूइंग ग्रेट। और मैं दो चीज़ों को लेकर के अभी भी बेट कर सकता हूँ, अक्षरा मेरी वैसी है जैसे मेरी मिलती है। दूसरा, इसको ना माँ कसम कोई भी इसको बोलते हैं ना बीट नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, थैंक यू चाचू, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नेमत है। आई लव यू चाचू। ओके, थैंक यू सर। चले ओके, अंदर अंदर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की कल इस साल की सबसे बड़ी फिल्म दबंग सरकार का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिस ट्रेलर को तो दर्शकों की तरफ से भरपूर प्यार मिला ही
और इसी वजह से एक दिन में खेसारी लाल यादव के इस फिल्म के ट्रेलर को लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं और दर्शकों की तरफ से इस ट्रेलर को इतना ज़्यादा प्यार मिलने की वजह है इस ट्रेलर में दर्शकों को भरपूर एक्शन, रोमांस और इमोशन देखने के लिए मिला। इसी के साथ खास कर इस फिल्म में खेसारी के साथ कादर राघवानी का एक नए प्रमोशनल गाने को भी देखने के लिए मिला। जी हाँ, जिस गाने के बोल हैं पागल बने वो काए पतर की पागल बने वो का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस फिल्म में कादर राघवानी के दो प्रमोशनल सॉन्ग हैं, जिसमें से पहला गाना रिलीज हो चुका है जो नवरत्न तेल के ऊपर कादर राघवानी ठुमके लगाते हुए नजर आई हैं और वो गाना सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है। तो वहीं अब दर्शकों को इनके दूसरे गाने का बेसब्री से इंतजार है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की 24 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म संघर्ष की अगर बात करें तो आज इस फिल्म को रिलीज हुए करीबन 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म को देखने वालों का तांता सिनेमा घरों के बाहर लगा हुआ है। जिसकी जानकारी देते हुए सिनेमा घर प्रोड्यूसर रत्नाकर ने अपने इंस्टा के जरिए सिनेमा घर के बाहर की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिस फोटो में अभी भी लोग संघर्ष फिल्म को देखने के लिए टिकट के घर के बाहर लाइन में लगे हुए हैं और जो मोतिहारी में पायल सिनेमा घर की फोटो है। पहले आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म के रिलीज होने के एक सप्ताह बाद भी बनारस के आनंद मंदिर सिनेमा घर के कलेक्शन करीबन 36 लाख से भी ज्यादा का रहा, जो कि खेसारी की फिल्म हमें हिंदुस्तानी के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। और अब सोशल मीडिया पर भी कल रिलीज हुई खेसारी लाल यादव की फिल्म का ट्रेलर दबंग सरकार धमाल मचा रही है और एक दिन में इस ट्रेलर को करीबन 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजप्रिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की कल एक और धमाकेदार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म दबंग सरकार की, जिसका दर्शकों को काफ़ी समय से इंतज़ार भी था। और जैसे कि इस फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया गया, वैसे ही दर्शकों की तरफ से इसे बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। जी हाँ, और मात्र एक दिन में इस फिल्म के ट्रेलर का व्यूज़ 1 मिलियन यानी कि 10 लाख को पार करते हुए 15 लाख तक पहुँच चुका है। और जितने लोगों ने अब तक खेसारी के इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है, हर किसी ने उनकी जमकर तारीफ ही की है। और तो और खेसारी के जो लोग फैन नहीं हैं, वो भी फिल्म को देखने के बाद, ये फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद खेसारी के फिल्मों को पसंद करने लगे हैं। वेल, जाते जाते आप लोगों को बताते चले कि खेसारी की इस फिल्म को अब बहुत जल्द रिलीज करने की बात कही जा रही है और अब तो दर्शकों का भी इंतजार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने भी अब डिमांड कर दी है फिल्म को रिलीज करने की। वहीं फिल्म को रिलीज करने के लिए साथ ही जाते जाते आप लोगों को ये भी बताते चले कि फिलहाल इस समय पर बॉक्स ऑफिस पर खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार धमाल मचा रही है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का आज सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिन तस्वीरों के साथ कैप्शन बॉक्स में लिखा है अमर शहीद राम समुंज यादव के शहादत पर कमेंट करके दिखा दीजिए कि आप लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, वैसे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शहीद मेला व संस्कृति श्रद्धांजलि समारोह जो कि आजमगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें कारगिल युद्ध के अमर शहीद राम समुज यादव के शहादत दिवस के खास अवसर यानी कि 30 अगस्त को भोजपुरी के पावर स्टार नायक और लोकगीत गायकी के सिरमौर पवन सिंह शामिल हुए थे। आपको बता दें पवन सिंह ने वहां पर शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। वैसे पवन सिंह इस समय पर अगर देखें तो पवन सिंह फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और साथ ही पवन सिंह इन दिनों सामाजिक मुद्दे पर भी और सामाजिक काम भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे शहीद जवानों के समारोह में पवन सिंह गए तो वहीं 31 अगस्त को पवन सिंह के देशभक्ति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम था बलमुआ तोहरे खातिर, जिस फिल्म में खुद पवन सिंह फौजी के लुक में नजर आए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी हलचल भरी खबरें सिर्फ इतनी ही हैं। अगले प्रोग्राम में फिर से लेकर हाजिर होंगे हम ऐसे ही हलचल भरी खबरें, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।